का दोस्त, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बनास एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ आप हमारी 2019 की मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज और 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी प्राप्त कर सकती हैं। और हमारे द्वारा एक बुक भी लॉन्च की गई है, सफलता की चिंगारी अब आपकी बारी, जो कि बहुत ही किफ़ायती दामों में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजी के लिंक से आप प्राप्त कर सकती हैं। एवं अलग अलग विषयों के नोट्स भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजी के लिंक से प्राप्त कर सकती हैं। फिर चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। जप्ती प्रथा और दहशाला प्रथा किसने प्रारंभ की? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी टोडलमल, सी मान सिंह, डी अब्राहिम लोदी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी टोडलमल। जप्ती प्रथा एवं दहशाला प्रथा की शुरुआत टोडलमल जी ने की थी। किसने अपने भाई उलाग खान और नुसरत खान को गुजरात आक्रमण के लिए भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी, बलवन, इल्तुतमिश, रजिया। इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई उलाग खान को और नुसरत खान को गुजरात आक्रमण के लिए भेजा था। चंगेज खान का समकालीन कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। इसका राइट आंसर है ए इल्तुतमिश। चंगेज खान का समकालीन इल्तुतमिश था। मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का असली नाम क्या था? अलमगीर, अली गौहर, जूना, रोशन अख्तर। इसका राइट आंसर है बी अली गौहर, जो कि मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का असली नाम अली गौहर था। पूरी तरह से अरबी सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने चलवाए? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, सी रजिया सुल्तान, डी बलवन। इसका राइट आंसर है बी इल्तुतमिश ने पूरी तरह से अरबी सिक्के भारत में सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने चलवाए थे। ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वाटर लिली, गुलाब का फूल, गरुण, सफ़ेद लिली। इसका राइट आंसर है वी गुलाब का फूल। ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल है। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई? ए 1953, बी 1954, सी 1955, डी 1956। इसका राइट आंसर है 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुई। भारत का प्रथम पिच्छेद शास्त्र कौन सा है? अग्नि, त्रिशूल, आकाश, पृथ्वी। इसका राइट आंसर डी पृथ्वी। भारत का प्रथम पिच्छेद शास्त्र पृथ्वी है। काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये जम्मू कश्मीर, बी अरुणाचल, सी उत्तराखंड, डी सिक्किम। इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में। काराकोरम दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? 1956, 1957, 1958, 1959। इसका राइट आंसर है 1956 में जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई। आर्कमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? भारत, इंग्लैंड, जर्मनी, ग्रीस। इसका राइट आंसर है डी ग्रीस। आर्कमिडीज जो कि ग्रीस देश के मूलतः निवासी थे। डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है? ए पेट्रोलियम, बी शिक्षा, सी सूती वस्त्र, डी चाय। इसका राइट आंसर है ए पेट्रोलियम। डिगबोई जो कि पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध हैं। नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष प्रदान किया गया? 1910, 1912, 1913, 1915। इसका राइट आंसर है सी 1913 में नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रदान किया गया। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ, बालाजी प्रथम, बाजीराव प्रथम, नारायण राव। इसका राइट आंसर है बालाजी विश्वनाथ, जो कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक थे। मुगल सम्राट में सबसे लंबा शासन किसका था? ए औरंगजेब, बी अकबर, सी शाहजहां, डी मोहम्मद शाह। इसका राइट आंसर है बी अकबर। मुगल सम्राट में सबसे लंबा शासन काल अकबर का था। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी इलाहाबाद। इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर है डी बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, भूटान। इसका राइट आंसर है ए श्रीलंका, जो कि समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश श्रीलंका है। किस गैस की साड़ी
मछली की तरह गंध होती है। किस गैस की सड़ी मछली की तरह गंध होती है? ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर है ओजोन गैस की सड़ी मछली की तरह गंध होती है। समानता का अधिकार संबंध किस अनुच्छेद से है? ए 14, बी 15, सी 16, डी 17। इसका राइट आंसर है समानता का अधिकार का संबंध अनुच्छेद 14 से है, जो कि समानता के अधिकार से है। नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। इसका राइट आंसर है उत्तराखंड, जो कि नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कटक किस नदी के किनारे बसा है? छपरा, नर्मदा, महानदी, ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर है सी महानदी। कटक जो कि महानदी के किनारे पर बसा हुआ है। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप शुक्राना निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ आप हमारे नोट्स, टेस्ट सीरीज एवं बुक बहुत ही किफ़ायती दामों में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। बस अयोध्या के मंदिर किस नदी पर के तट पर है? गंगा, गोमती, सरयू, रामगंगा। इसका राइट आंसर इसी सरयू। अयोध्या का मंदिर सरयू नदी के स्थित है। यहाँ पर एक प्रश्न हम और जोड़ देते हैं कि राम मंदिर का शिलान्यास कितनी डेट को हुआ था? तो राम मंदिर का जो शिलान्यास है वह 5 अगस्त 2020 को हुआ था। 5 अगस्त जो कि डेट हमें याद रखनी है, 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था। इसके बाद जो हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं वो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होते हैं? ए भोपाल, बी इंदौर, सी जबलपुर, डी ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर ये भोपाल से सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। देश की पहली केंद्रीय पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी कहाँ स्थापित की जाएगी? ए भोपाल, बी ए सागर, बी भोपाल, सी ग्वालियर, डी इंदौर। बी भोपाल में देश की पहली केंद्रीय पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी स्थापित की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा कौन सी अपनी तरह की पहली फेलोशिप है? स्वाधीनता संग्राम, समाज, राजनीति, कला। इसका राइट आंसर है स्वाधीनता संग्राम है वह पहली फेलोशिप है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ ही बने।